तो गाइस कल एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। 12:35 हो चुका है एंड मुझे सोना है। एक्चुअली कल सुबह जल्दी निकलने का प्लान था। मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ताकि यू नो आई डू नॉट फॉरगेट एनी पॉइंट। स्पीच देने जा रहा हूँ एक जगह पर। बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। एम्बैरेसिंग वाला सिचुएशन ना आ जाए कि मैं एकदम फ्रीज हो जाऊँ एंड कुछ बोल ही ना पाऊँ आगे। सो अभी मैं आपको डायरेक्टली कल सुबह मिलता हूँ। अभी काम खत्म कर लेता हूँ एंड आई जस्ट गो टू स्लीप नाउ। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस। ऑलमोस्ट मुझे सोते सोते 2 बज गए थे। वैसे अभी बज रहे हैं 6:40। मैं रिवील करता हूँ, मैं जा रहा हूँ पुणे टू गिव अ टेडेक स्पीच। आई नो बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे भी खुद को नहीं बिलीव हो रहा था। तो थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है यार, पूरा एक 18 मिनट का स्पीच देना है। नॉट द टाइम टू यू नो वेस्ट टॉकिंग। फट से निकलते हैं। आई नो मैं भूल गया अपडेट करना आपको, बट देन हम निकल चुके थे। रास्ते पे गाड़ी रुका के अभी थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है चलाने के लिए। अभी बज रहे हैं 8:15। अभी जाएंगे आगे एंड नेक्स्ट स्टॉप विल बी लोनावला। लोनावला में रुक के थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे। बाय द वे, ये तो मैं बताना भूल ही गया आपको कि लिटरली मैं गाड़ी चलाते चलाते स्पीच प्रैक्टिस कर रहा था एंड आई डिड अ वेरी गुड जॉब। पूरा स्क्रिप्ट मैंने रिकॉल कर लिया। ओके सो गाइस, फाइनली अभी होटल में आ चुके हैं। यहाँ पर चेक इन कर लिया मैंने। दिस इज सेंट लॉन बिजनेस होटल जहाँ पर इन्होंने बुकिंग करवाई है। सो द टेडेक पीपल आई हैव कॉन्टेक्टेड देम। तो अभी हमें एक्चुअली मैं शेड्यूल बताता हूँ आपको। तो बेसिकली कॉलेज जो है यहाँ से होटल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है। वैसे ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे ये भी बताया कि अगर मुझे स्टेज पर रिहर्स करना है, एक बार देखना है साउंड कैसा होता है, सेटिंग्स कैसा होता है वगैरह, वो सब आई कैन गो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1:30 अराउंड यहाँ से निकलूंगा एंड आई विल गो देयर। क्विकली मैं अभी अपना जो स्क्रिप्ट है वो प्रिपेयर कर लेता हूँ। सो गाइस पूरा रेडी हो चुका हूँ मैं। तो कुछ इस तरह से आउटफिट है मेरा आज का। वाइट शर्ट पहना है मैंने, उसके नीचे मैंने पहना है। और यहाँ पर चिमे भी रेडी हो चुका है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी। मस्त डीओ वगैरह मारेंगे अभी। टेडेक्स वाले जो हैं मैनेजमेंट, दे आर गोइंग टू सेंड अ कार। बहुत अच्छा हुआ कि वो लोग एक कार भेज रहे, बिकॉज मैं थोड़ा सा टेंशन में था क्योंकि व्हाइट शर्ट पहना हुआ है मैंने। बट ऑन द वे जाते जाते पता नहीं यार कबूतर ने प्रसाद दे दिया। वैसे तो वहां जाकर खाना भी खाना है और व्हाइट शर्ट में मैं कैसे खाने वाला हूँ मुझे नहीं पता। भूखे पेट तो मैं टेडेक्स नहीं देने वाला। शूज पहनते हैं, नीचे चलते हैं। एक बार कैमरा में देख लो भाई। मैं नहीं देख रहा। दुख देखो, दुख देखो। सामने तीन कैमरा में देख के बोलना। इसे कहते हैं डर गाइस। एक बार वापस देखना भाई कैमरा में। इसे कहते हैं डर। इफ यू ट्रीट द स्टेज एज अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज फॉर योर गॉड, लाइक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम। हां सो डर आता है। यस सो व्हाट यू फील अप देयर इज बेसिकली व्हाट यू फील अप देयर। ये पूरा तुम्हारी माइंड का गेम है। एग्जैक्टली। सो गाइस यहाँ पर मैं टेडेक्स के स्टेज पर आया हूँ एंड आई हैव द एंटायर टेडेक्स टीम विथ मी। सो से हाय गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कॉलिंग मी हियर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, होटल में वापस आ चुका है। काफ़ी सही था, मतलब क्या बताऊँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज आई फ्रोज लिटरली। मतलब मैं 5 से 10 सेकेंड तक बस ऐसे खड़ा था। बहुत सारे मिक्स फीलिंग्स चल रहे थे दिमाग में ऑलरेडी, बिकॉज ऑलमोस्ट 45 से एक घंटे में मुझे अपना टेड टॉक देना था। एंड जब मेरा टर्न आ रहा था, मतलब पूरा
ऑलमोस्ट 45 मिनट जब से वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन के साथ, पूरे टाइम मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया था, मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस वॉज समथिंग जो आई कैनॉट एक्सप्लेन राइट, बिकॉज काफ़ी मिक्स फीलिंग्स आ रही थी. कुछ भी किया, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, आई रिकवर्ड एंड एक मोमेंट के बाद आई वॉज सो कम्फर्टेबल, मतलब फट फट भाई बोल दिया. तो या प्लान बन रहा है, चिल आउट करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते. एंड होटल वालों ने बोल दिया है कि हम लोग बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते. तो अभी हम लोग जुगाड़ लगा रहे थोड़ा सा, यहाँ पर बैग लेके नीचे जाने वाले हैं चुपके से, उसमें खाना भर के लाएंगे. तो या दैट्स द प्लान, ऑर्डर कर दिया है, अब जाएंगे नीचे. कोरेगा पार्क तो बहुत अच्छा, मतलब सब पॉश काइंड ऑफ एरिया है गाइस. नाइट लाइफ कैसी होगी यहाँ? नाइट लाइफ तो लिट है आई गेस, ये तो काफ़ी अच्छा एरिया है कोरेगा. सो गाइस अभी हम लोग घूम रहे हैं थोड़ा सा, रात को निकले हैं. एक्चुअली मन किया था कुछ तो ड्रिंक करने का, मतलब कोल्ड ड्रिंक खाना तो हमने ले लिया था, बट अभी थोड़ा मन किया उसका थोड़ा कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, इसलिए हम लोग निकले थे थोड़ा ढूंढने के लिए. बट देन काफ़ी सही एरिया है यार, एकदम क्लब्स एंड ऑल एकदम लाइन में होटल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर. इसमें कुछ भी अंडरग्राउंड जैसा नहीं है. तो भाई कैसा रहा पुणे का नाइट राइड? मज़ा आ गया, रोड्स तो सही है काफ़ी. वैसे तो नाइट राइड एक्चुअली हम लोग क्या ही घूमे, बस थोड़ा सा एक नेक्स्ट ब्लॉक में जाकर देख के आए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है. तो मैं ये पूछ रहा था तुझे क्या भाई कि मेरा टॉक कैसा रहा? ओह भाई ने क्या टॉक किया है, मतलब 5 मिनट तो भाई कुछ बोले ही नहीं. अंधेरा बहुत है तो तेरा शैडो दिख रहा है. डजंट मैटर ब्रो, मैं बोल रहा हूँ मतलब भाई को इतने कॉम्प्लीमेंट मिले ना, बाकी सब साले क्या बोलूं अभी, मैं बोलता नहीं क्या. सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी नेक्स्ट डे है, आज संडे है एंड इट्स 6:35 राइट नाउ. प्लान तो था निकलने का बट मतलब 5:45 का अलार्म लगा के उठे तो थे, बट ऑब्वियसली वापस से नींद लग गई तो 6:20 अराउंड उठ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी पहुंचने का प्लान है क्योंकि चिन्मय का कल एग्ज़ाम है. जल्दी जल्दी पहुंचेंगे घर पर एंड जो भी करना है फिर एडिट वगैरह करूँगा व्लॉग को.